पुष्पपुर के राजा थे जीवन केतु। राजा बहुत दयालु थे, लेकिन उनके रिश्तेदार बहुत ही हिंसक थे। एक दिन सैनिकों को लेकर, क्या बोल रहे हैं मंत्री? सेठ केतु मेरा भाई है। महाराज, भाई है तो क्या हुआ, उनमें लालच नहीं होता है? हाँ होता है। कौन? महाराज आप मेरे बंदी हैं। अब सिंहासन छोड़कर वन चले जाइए, वरना आपको काल कोठरी में डाल दूंगा। नहीं भाई, मैं चला जा रहा हूँ। पथ चलते चलते वो थक कर एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गए। उसी समय फिर से दानव के पेट में जाने के लिए एक मनुष्य आया है। वही तो सोच रहा हूँ कि ऐसा कोई इंसान नहीं है जो दानव को मार के इंसानों को बचा पाए। पेड़ के ऊपर कौन बोल रहा है? हिम्मत है तो सामने आओ। हम लोग दो पंछी, तोता और मैना, इस पेड़ पे रहते हैं। क्या बोल रहा था दानव के बारे में? उत्तर दिशा की तरफ एक द्वीप है, वहाँ पे एक दानव है और वहाँ के राजा और प्रजाओं के लोग। लेकिन वो द्वीप कहाँ है? यहाँ से कितना दूर है? यहाँ से पश्चिम दिशा की ओर आगे जाओगे तो एक प्राचीन बरगद का पेड़ है, वहाँ पे एक चिड़िया है, वो तुम्हें रास्ता बताएगा। ढूंढते ढूंढते मिल गया राजा को वो चिड़िया। बहुत साल पहले की बात है, समुद्र के किनारे एक राज्य था। उस राज्य के राजा बहुत ही दानी थे और उन्हें सब दानी देवता के नाम से जानते थे। महामंत्री, आज राज्य के सब गरीबों को दान मिला है। जी हाँ महाराज, आज मैं पूरे नगर में दान किया हूँ, कल भी मंत्री दान करना है। जी हाँ महाराज, मैं राज्य के सभी प्रजा को स्वर्ण मुद्रा दान किया हूँ, लेकिन इतना काफी नहीं है, मैं और दान करना चाहता हूँ, जब जी चाहे तब। महाराज क्या सोच रहे हैं? राजा प्रतिदिन दान करके पुण्य का काम करता जा रहा है, इधर उसका आयु खत्म हो चुका है। पाप ना करने से उसका मृत्यु असंभव है, उसे जीवित ही स्वर्ग लाना होगा। लेकिन कैसे? सुनो तो फिर। यमराज के बातों के अनुसार चित्रगुप्त गए एक दानव के पास। ऐसे ना घूमकर, मनुष्य ना पकड़कर पुष्प राज्य में जाओ, वहाँ के राजा को युद्ध में पराजित करके वहाँ के राजा बन जाओ। चित्रगुप्त के बातों के अनुसार दानव चला गया राजा से युद्ध करने। उसी वक्त एक अंधा आया राजा से नेत्र मांगने। हे ब्राह्मण, मैं अपने नेत्र जरूर दान दूंगा आपको, लेकिन आपको इंतजार करना होगा, मैं युद्ध में दानव को पराजित करके नेत्र दे दूंगा। तुम अपनी बातों से मुकर गए हो, इसलिए इसी वक्त तुम्हारा मृत्यु होगा। दानव के अत्याचार से प्रजा दुखी हो गए थे। वो लोग बहुत सोच समझ कर आए दानव के पास। महाराज, आप अगर रोज रोज एक मनुष्य खा लेंगे तो राज्य शून्य हो जाएगा, इसलिए आपसे विनती है कि आप महीने में एक मनुष्य खाएंगे महाराज। अब मेरे दोस्त के पुत्र की बारी है, आप उसे बचाइए। लेकिन इतने कम समय में मैं वहाँ कैसे पहुँचूंगा? इस पादुका को पैरों में पहनकर तुम कहीं भी जा सकते हो। ठीक है पंछी। तुम क्यों रो रहे हो?
और दानव मुझे खाएगा इसीलिए। तुम्हें मैं खा जाऊंगा। तुम मुझे खा लो। तुम्हें डर नहीं? मेरे आगे पीछे कोई नहीं है तो डर किस बात की? तुम्हारे बातों से खुश हुआ मैं। बोलो क्या चाहते हो तुम? तुम कभी नर मांस नहीं खाओगे। ठीक है, ऐसा ही होगा। और आज से तुम इन लोगों का राजा हो। महाराज, मेरे इस कहानी में सबसे अच्छा विचार किसका है, राजा या फिर दानव का? दानव का, क्योंकि सिर्फ नर मांस नहीं छोड़ा है वो, बल्कि राज्य भी दे दिया। इसलिए अब मैं चला महाराज। ये है गोपाल फाड़। दोस्त, बहुत बड़ा गलती हो गया है। कैसा गलती? पैसा घर पे भूल गए क्या? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। जल्दबाजी में चला आया हूँ, सुबह से सिर्फ चाय पिया हूँ। बहुत भूख लगा है मुझे, खाना खा के आता तो अच्छा होता। अब क्या करूँ मैं? तो रास्ते में कुछ खरीद के खा लो। ज्यादा पैसा नहीं है मेरे पास, क्या खरीद के खाऊं? मेरे पास भी पैसे नहीं है, क्या मैं तुम्हें खिलाऊं? आलू खाओगे? आलू? हाँ आलू। तुम्हारे घर जाते समय मैं रास्ते में आलू पका हुआ देखा था, वहाँ से मैं आलू लेकर नमक लगा के खाया हूँ। बहुत भूख लगा था ना, इसीलिए। ये क्या बोल रहे हो, रास्ते में आलू? नहीं, अगर मिठाई होता तो खाता। समझ गया, दुकान खाली है तो फिर चलो तुम और मैं पेट भर के मिठाई खाते हैं। लेकिन पैसे कहाँ है? सुनो, मैं कुछ सोचा हूँ। सुनो सुनो। बहुत अच्छा सोचे हूँ। तो देर किस बात की, जल्दी चलो। मिठाई वाले, कौन कौन सा मिठाई है तुम्हारे पास? ये तो दो, खाएंगे? हाँ है, बहुत है। बोलो क्या खाओगे? ये लो। वाह, बहुत अच्छा मिठाई है। ये मिठाई मैं बनाया हूँ, स्वादिष्ट तो रहेगा ही। मेरा मिठाई बहुत नामी है। हाँ, खाकर ही तो पता चल रहा है ना गोपाल? हाँ ठीक बोल रहे हो। इस मिठाई का क्या नाम है बताओ? बर्फी। और वो क्या है? कौन सा? वो जो गोल गोल रखा हुआ है। उसका नाम राजभरी है। वो भी बहुत स्वादिष्ट होगा। हाँ है। खा के देखो। लो खा कर देखो, मुँह से नहीं छूटेगा। हाँ तो बर्फी दे दो, राजभरी भी दे दो, घर में ले जाऊंगा। दो दो, दो दो, हम दोनों को फटाफट दो। हाँ भी दो, दो दो। और मुझे गुलाब जामुन दो। मुझे भी गुलाब जामुन दे दो। मेरा पेट भर गया है। सच में मेरा भी भर गया। हाँ मिठाई वाले, दोनों का कितना हुआ? जे 20 रुपए। ये लो। नहीं नहीं नहीं, मत लेना। तुम मुझसे पैसा लेना। नहीं नहीं, मुझे से लेना। नहीं नहीं, मेरे से लेना। नहीं नहीं, मैं दूंगा। हाँ ये क्या मुसीबत है? तुम ये मुसीबत खुद दूर कर सकते हो।
कैसे? चलो ये खेल खेलते हैं। खेल? हाँ, पकड़म पकड़ाई का खेल। सुनो मेरा बात, मैं तुम्हारा गमछे से तुम्हारे आंखों पे पट्टी बांध दूंगा। तुम हम दोनों में से जिसको पकड़ोगे वही तुम्हारे मिठाई का पैसा देगा। ठीक है, खेलोगे? हाँ, खेलूंगा खेलूंगा। ये लो ये लो। बहुत अच्छा, आओ तो फिर आओ 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 आओ, आओ। मुझे पकड़ो पकड़ो पकड़ो। हाँ हाँ, मुझे पकड़ो मुझे पकड़ो 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 पकड़ो। मुझे पकड़ो, मैं यहाँ हूँ, मुझे पकड़ो। आओ आओ आओ, मुझे पकड़ो। चल चलते हैं, अपने ही भागो भागो। गोपाल, खेलने में मजा आ गया। मैं कहाँ खेला हूँ, खेल खेला है तो वो मिठाई वाला अभी तक वो खेल रहा है ना गोपाल? सच में गोपाल, तुम बहुत ही चालाक हो। इसे ही कहते हैं नाई का दिमाग। अब यहाँ से फटाफट भागो, अगर मिठाई वाला आंखों की पट्टी खोल लिया तो। हाँ, मिठाई वाला दौड़ के आ जाएगा। भागो। बता, मैं कौन हूँ? तू क्या समझ रहा है, मैं तुझे पहचान नहीं पाऊंगा? छोड़ छोड़ मुझे, मुझे हंदा छोड़। देख लिया, मैं तुझे पहचान लिया है ना? मुझे पता था कि तू है। तू अपने आप को पहचान पाएगा कि नहीं देख। मतलब? मतलब आईने में तू अपना शक्ल देखेगा तो पता चलेगा तुझे। मैं जा रहा हूँ बूंदा, मुझे बहुत काम है। अंदर चला गया। समझ में नहीं आया, जाऊं आईना में जाकर मुंह देखता हूँ। ये क्या, अंदर मेरा मुंह काला कर दिया है। ओए भंदा, मुंह पे रंग क्यों लगाया है तू? नहीं फूफा जी, मैं नहीं, वो क्या, वो क्या कर रहा है तू? मैं अभी मुंह साफ कर लेता हूँ फूफा जी। जल्दी करो, मुंह साफ करके घर पे आओ, फिर मैं तुम्हें अच्छी तरह से धोऊंगा। नहीं, उस हंदा को मैं सबक सिखा के ही रहूंगा। बहुत शैतान है वो, मुझे बिना मतलब के फूफा जी से मार खिला रहा है। इसका बदला मुझे लेना ही पड़ेगा। बुंदा, अब मैं तुझे और मार खिलाऊंगा, देखना फूफा जी तुझे और अच्छी तरह से तुझे धोएंगे। बुंदा मजा आएगा, उसी का इंतजाम मैं कर रहा हूँ। फूफा जी का ये कुर्ता कितना सफेद है, लग रहा है आज ही धोए हैं। अब मैं इस सफेद सफेद कुर्ते को अपने काले काले हाथों से इसे अच्छी तरह मैं पॉलिश कर देता हूँ। ये कुर्ता तो काला हो गया है, बहुत अच्छा लग रहा है। सफेद सफेद कुर्ते पे काला काला धब्बा, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा काम खत्म हो गया है, अब मैं यहाँ से जाता हूँ। थोड़े देर में फूफा जी आएंगे कुर्ता लेने। ये क्या, ये क्या, मेरे कुर्ते में ये काला काला धब्बा किसने लगाया? हाँ, जरूर जरूर इस काम धंधा का ही होगा, उसके मुंह में ये रंग लगा था। वो शैतान मेरे कुर्ते में रंग लगाया। वो कहा है, वो कहा है? अगर वो मुझे मिल गया
मेरा प्लान सही काम कर रहा है। तू दूसरी बार मार खाने के लिए तैयार हो जा। शैतान लड़के, मेरा कुर्ता खराब कर दिया। नहीं फूफा, मैं नहीं। तो क्या मैं? बोल 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 बोल, दोबारा कभी ऐसा करेगा तू? दोबारा मैं ऐसा नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दीजिए, ऐसा दोबारा नहीं होगा। याद रखना तू। फंदा, इस बार तू तैयार रहे ना। मैं जितना मार खाया हूँ इससे डबल तुझे खाना होगा, वरना मेरा भी नाम भोंदा नहीं बोल दिया मैं तुझे। बो रहा फूफा जी का दस्ताना, वही तो मुझे चाहिए, यही है मेरा हथियार। इस डंडे से निकलता हूँ। अजा अजा अब शुरू होगा मेरा असली खेल। सफेद दस्ताना काला हो गया, काला कौवा जैसा काला हो गया। अब मैं इस दस्ताने को जहाँ था वहीं पे ले जाकर रख देता हूँ। कहाँ है वो भोंदा? उसे मैं आज घर से निकाल दूंगा। मेरा दस्ताना खराब कर दियो। ये क्या, मैं कुछ नहीं किया हूँ, वो भोंदा किया है। नहीं फूफा जी नहीं, वो भोंदा झूठ बोल रहा है। आपका दस्ताना पहनकर ये देखिए, मेरा हाथ काला है और उसका हाथ साफ है। नहीं फूफा जी, मेरा दस्ताना पहनकर खेल रहा था तू? अपना हाथ साफ रखने के लिए फूफा जी आपका दस्ताना पहन लिया था। वो हाथ साफ रखने के लिए मेरा दस्ताना पहनकर खेल रहा था तू? मार मार कर तुझे। नहीं नहीं फूफा जी, भागो भागो। भाग रहा है, भाग कर कहां जाएगा तू? जब तक मैं तुझे मारूंगा नहीं, मुझे चैन नहीं आएगा। बेचारा भोंदा। बहुत समय पहले की बात है, उत्तर कलकत्ता में नीम चांद मल्लिक स्ट्रीट में भास्कर प्रमोद अपनी पत्नी एवं अपनी एक बेटी को लेकर किराए के घर में रहते थे। प्रमोद बाबू, आगामी 15 दिनों के अंदर ही इस घर को आप छोड़ दीजिएगा। इतना जल्दी? 15 दिनों के अंदर ही मैं अपना परिवार और सामान लेकर कहाँ जाऊंगा? ऐसा करने से मैं अदालत जाऊंगा। इसी बीच एक विचित्र प्रकार की घटना घटी। कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे राम श्री राधा गोविंद। उनके मित्र नर हरिदास शाक्त और परम वैष्णवी थे। उनके एक परम मित्र का नाम भैरव चटर्जी था। वे भी परम शाक्त थे। दिन भर का काम निपटाकर वे दोनों शाम के समय बैठकर शतरंज खेला करते थे। लेकिन हठात एक दिन नर हरिदास की मृत्यु हो जाती है। नर हरिदास तो मर गए, अब घर का क्या करिएगा? क्या करूंगा, फिर किराया पर ही दूंगा। तो मुझे ही दीजिए ना, बड़ा उपकार होगा। नगद 1000 रुपया सलामी और प्रति महीना 600 रुपया भाड़ा देना होगा। इतने रुपए में कहाँ से पाऊंगा? तो ऐसा छोड़ दीजिए, आजकल घर भाड़ा की बड़ी मांग है। मैं दूसरा भाड़ेदार पा जाऊंगा।
लेकिन कुछ दिन बाद ही एक विचित्र प्रकार की घटना घटी। एक दिन अमावस्या की रात नरहरिदास के परित्यक्त घर के सामने से बदन जा रहा था, अचानक ही अरे कौन वहां है, बोलते क्यों नहीं? अरे बाप रे बाप, नरहरिदास ना, मैं भाड़े की अधिक कीमत पा रहा हूँ, इसलिए बदना बदमाइसी कर रहा है क्या जी? नरहरिदास तो एक परम वैष्णव भी थे ना, इसलिए मृत्यु के बाद तो उन्हें स्वर्ग प्राप्त होगा, ए वही है कि नहीं? जानते हो भाई, भूत की बात सुनकर कोई भी हमारे घर को नहीं लेना चाहता। मैं शाक्त हूँ, मंत्र साधक हूँ, वैष्णवी आत्मा मुझे देखते ही भाग जाएगी। तुम चिंता मत करो, मैं कुछ दिन उसी घर में रहूँगा, देखूं कुछ होता है कि नहीं। ठीक है तो देखिए, विगत दो दिनों से नरहरिदास का दर्शन तो मुझे नहीं मिला, आज अमावस्या है, माँ की पूजा करूँगा। अगर इस घर में भूत प्रेत होगा तो बाप बाप करके यहाँ से भाग जाएगा। अरे वहाँ कौन है? कौन हो तुम? मैं नरहरि हूँ, नरहरिदास मेरे मित्र, एक बार मेरे साथ शतरंज खेलोगे? अरे बाप भागो। इस घटना के कुछ दिन बाद ही खेतु मल्ली के साथ प्रमोद भास्कर मिले। असल कलकत्ता में खाली घर पाना मुश्किल है, इधर अदालत का आदेश है, एक महीने में मुझे घर छोड़ना होगा, जिसमें एक सप्ताह ही बाकी रह गया। भूता घर की कारण ही तो कोई किरायेदार नहीं आता है, देखो रह सकते हो कि नहीं? और भाड़ा? देना, महीने में केवल 200 रुपये। तो ठीक है, आप 3 वर्ष के लिए एक चुक्ति पत्र तैयार कर दीजिए, मैं कल आऊंगा। ये क्या जी, मैंने सुना है उस घर में भूत रहता है, वहाँ जाएंगे तो मर जाएंगे। भूतहा घर? ठीक है, तब देखो मैं एक मूर्तिकार हूँ, इसीलिए मैंने नरहरिदास का चेहरा खूब अच्छा बनाया। अब क्या, इसके बाद इस मूर्ति को नरहरिदास के घर में रखने से तब तो किला फतह हो गया, चारों ओर शोर हो गया, वह भूतहा घर है। हाँ?